बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सर्वे हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर, उसमें भी जो आवाम की राय है वो तो काफी तकसीम नजर आती है, लेकिन एक मसले पर सब मुतफिक हैं और वो महंगाई है। तमाम सूबों में जो सर्वे किया गया उसमें हर जगह से आवाम की यही आवाज आई कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर एक महंगाई है। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त खबरें ये आ रही है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी का इम्कान है, जबकि कुछ कमी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कीमतें कम करना पड़ेगी, तभी आवाम जो है वो कुछ उनको रिलीफ मिल सकता है। इस वक्त सेहत के मामला बड़े बिगड़े हुए हैं। अगर हम तालीम के शोबे का जिक्र करें तो वहां भी कुछ सूरतेहाल तसल्ली बख्श गई है। गरज ये कि कोई भी सरकारी या निजी जो शोबा है, अगर उस हवाले से आप बात करेंगे तो मामला काबू से बाहर होते नजर आते हैं। आज के लाइव स्टूडियो में हम कोशिश करेंगे कि जिला चकवाल और चकवाल की आवाम को जो दरपेश मसाइल है मुख्तलिफ शोबाजात से, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान से, उसको हम डिस्कस करें और उसके हल की तरफ कुछ तजावीज पेश करें। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साथी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी सर, बिल्कुल। ये 11 रबीउल अव्वल को ये सूबाई वजीरे थे डॉक्टर जमाल नासर इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल आए हैं, तो मैं भी काफी अर्सा ये 3-4 महीने का ये वक्फा है, तो ये मेरे भी ये सारा वार्ड चार्ड उनको कराया गया। तो मैं पहले भी मेरा ये व्यू था कि ये वार्ड पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कोई दुबई का अस्पताल लगता है। उस दिन भी वो डायलिसिस सेंटर, वो बच्चों का सेंटर और सारा चिल्ड्रन वार्ड, गायनी वार्ड, सारा मतलब है कि एयर कंडीशन लगे हुए और बिल्कुल जबरदस्त मतलब है ना ये। मगर ये एयर कंडीशन और ये दीवारों से तो ये मामले नहीं है, मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, ये सीटी स्कैन और सारा गरीब आदमी ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में उधर दादो शुमार जारी किए हैं एमएफ ने, तो वो कह रहे हैं 3500 से 4000 लोग रोज जो है ना ये इधर डेली विजिटर है DHKU अस्पताल के, वो यकीनन इस उम्मीद पर। तो आप ये सुनते हाल ये है कि वही जो 2-3 साल पहले ये इमरानी दौर से पहले और ये PDM के ये 5 साल दौर से पहले एक पर्ची पे, और बल्कि उस वक्त तो मुझे कल की तरह याद है परवेज भाई की हुकूमत में ये मुशर्रफ के दौर में, तो मेरा कोई 20-25 पैसे की पर्ची थी और तमाम चीजें और अद्वियात भी मुफ्त है, मगर उस वक्त सहूलतें भी महदूद थी। मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टेस्ट अंदर हो रहे हैं, मगर वो किसी का फोन है या सिफारिश है तो उसके टेस्ट होते हैं, नहीं तो कहते हैं बाहर ले जाओ जी। तो ये कम अज कम आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे मामला अगर मैनेज कर लिए जाए, अब डॉलर 240 बता रहे हैं जी लेके जाना है अल्लाह 15-20 दिनों में, कुछ रिश्ते तैयार है ये जो डॉलर माफिया की, तो ये पेट्रोल की कीमतें आप जिस तरह बता रहे हैं ये 30-40, तो ये थोड़ी सी महंगाई कम करते हैं, बिजली के बिल अल्लाह की मदद से मौसम बदल गया है वो वैसे ही काम हो जाएंगे। तो ये जो मुश्किलात हैं इस वक्त जो आवाम बिल्कुल एक शदीद मतलब बुरानी कैफियत से तो जा रहे हैं, तो ये अगर एक महीने में ये थोड़ी सी मैनेजमेंट कर ली जाए तो यकीनन आवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। तो ठीक है जी, आवाम को फायदा पहुंच सकता है, बस अपनी जो आदत है सरकार की जो आदत है वो बदलने की जरूरत है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साथी फायदा साहब, अभी जिस तरह बाबर साहब जिक्र कर रहे थे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, एसी लगे हुए हैं, लेकिन जो सर्विसेज का मियार है वो दुरुस्त नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। आपको बताता हूँ, एक सादत हसन मंटो का एक अफसाना था खुदा की कसम, उसकी 2 लाइनें मैं बताऊंगा। एक जवान लड़की गुम जाती है औरत की, वो ढूंढ रही है वो रजाकार से इंचार्ज से पूछती है मेरी बेटी तो नहीं मिली, ये हो लिया है फलाना, वो 1 साल हो जाता है। एक दिन वो बड़ा तंग मतलब घरेलू हालात में तो माई उसको बाजार में मिल जाती है, मेरी बेटी मिली के नहीं मिली जो है ना, उन्हें कहा तेरी बेटी मर गई है इस तरह गुस्से में हो जिस तरह, तो फिर क्या क्या बोला, उन्हें बोला खुदा की कसम तेरी बेटी मर गई है, और वो माई वो जो लड़की की माँ वहां पे गिरती है और वो मर जाती है। ये सुनने उसकी यकीनदानी उसकी कसम पे, जब उसने कसम खाई कि तेरी बेटी मार गई है, खुदा की कसम तेरी बेटी मार गई है और वहां पे गिरती है वो मार जाती है। मैं भी आज कह रहा हूं कि खुदा की कसम ये जो महंगाई है इस मुल्क में, ये उन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो अफसरान बैठे हुए हैं, नायल बैठे हुए हैं,
और सफारसी बैठे हुए हैं, इनकी डिग्रियां चेक कर लें, और ये बिल्कुल ये मुसलमान मतलब हकीकत है कि वरना अगर ठीक अकलमंद जो कबल मसीह में सुकरात और अफलातून कहते थे कि आप माशरे में से अकलमंद हो क्यों लें और उसका एक जत्था बना लें, उनमें से जो है ना सियासत भी करें, उनमें से जो है ना ये ब्यूरोक्रेट पैदा करें, ये दफातर चलाएं और मुल्क का निजाम जो है ना चलाएं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि अकलमंद जो है ना वो बैठा हुआ है उधर छप्पन बाजार में और रेडी लगा के बैठा हुआ है, मगर अकल शोर उसमें है, मगर वो दिनों है जिसमें अकल ही कोई नहीं, वो पैसे दे के सिफारिश लगा के वो अपने ठंडे कमरों में बैठ के वो क्या वहां दोस्त पॉलिसी बनाएगा। ये इसको मतलब अब ये इनकलाबी इनको किनको पता ही कोई नहीं, भाई मेरे हम कह रहे हैं अभी नकल उतार लें, अफलातून ने किताब लिखी हुई है, कन्फ्यूशन के शगिर्दों ने किताब लिखी है, मेरे मास्टर ने ये कहा, तो ये उस्ताद था, ये वो जो क्लास में जो बोलता था वो उनके शगिर्दों ने किताब लिख दिया, वो किताब ऐसी है कि वो मतलब चाइना ने उसको नाफिज किया हुआ है, चाइना उसको मुकदस किताब समझते हैं कन्फ्यूशन की, तो भाई मेरे उसमें से नकल लगा लें तो थोड़ी एक दो चैप्टर ग्रेजुएशन कुरान सबसे कन्फ्यूशन और उनसे बहुत आगे है जो है ना कुरान, वो नाफिज करते हैं सजाएं नाफिज करने जो कुरान में दी गई है, ये दुरुस्त ना हो गया निजाम में ढाई क्या हो, ये जिस का रोना आप रो रहे हैं तो आप जो है ना दुरुस्त हो सकती है, इनकी जरूरत है। और अच्छा नकल की बात कर रहे हैं तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अकल हो तो ये इतने सारे गंभीर मसाइल पैदा ही ना होगा। स्टूडियो में सीनियर साथी सफीदी सफी मौजूद है, सफी साहब मसाइल की बात हो रही है जो भी आपसे आप कसीद ऑफिस जाएंगे तो रजिस्ट्री के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आप कहीं और दफ्तर जाएंगे तो वहां पर भी सूरतयाल हमें यही नजर आती है, हॉस्पिटल का रुख करें वहां मरीजों को इलाज मुआवजे की दुरुस्त सूरतयाल नहीं है, बल्कि अब तो हंगामे भी हो रहे हैं, आज भी खबर आई है कि वहां शीशे वगैरह तोड़े गए हैं, तो जिस तरह आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, एक बिल्डिंग मौजूद है, हुकूमत का काफी खर्चा भी हो रहा है, तो आवाम को क्यों नहीं रिलीफ मिल पा रहा। लेकिन ये इसकी वजह हमारी सुस्ती और गहरी है, जो हमारी इंतजामिया है जो भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, अस्पताल के अंदर जो भारी भारी तनख्वाहें डॉक्टर दे रहे हैं, तो उनका ये भी फर्ज बनता है कि जो कोई मरीज आ गया है तो अपना एक वक्त निकाले उनके लिए, उनको वक्त है। अभी डीएचक्यू का सबसे बड़ा अंदर मैंने मसला देखा है, लड़ाइया झगड़े उठे देखी है कि नर्सिंग के पास मोबाइल है और वो नीचे लाके मोबाइल ये खेल रही है, सामने दवाई वाला दवाई मांग रहा है, पर्ची वाला पर्ची मांग रहा है, और वो अपना दवाई भी यूट्यूब खोली हुई है या वो जो भी खोला है वो मैसेज कर रही है। सबसे पहले आज मैं इस प्रोग्राम की वसादत से एम्बेसडर से दरखास्त करूंगा कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर पाबंदी लाखों पर भी पाबंदी आज हो और नर्सिंग स्टाफ पर तमाम छोटे स्टाफ पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए। आज जो वाक्य हुआ है कि बिया मोबाइल पर वो आदमी आया और उसको इन्होंने डॉक्टरों ने कुछ तवज्जो नहीं दी बकौल उनके लवाकीन पे, तो उसकी डेथ हो गई है। जब उसकी सडनली डेथ हुई है तो वो उसके 60 उनके लवाकीन थे जिन्होंने बार धार शुरू कर दी, दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए और अस्पताल के मेन एंट्री जो है उसके शीशे तोड़। अब डीसी साहब भी तशरीफ लाए, एसी साहब भी तशरीफ लाए और उनको बुलाया गया कि ये वाक्य हुआ इतफाक से आए हुए थे ये बुलाए गए, ये तो अभी मुबैना तौर पर जो बात हुई है मैं वो बयान कर रहा हूँ। तो देखना ये है कि हम लोग जो यहाँ हो रहा है जो कुछ हो रहा है इसमें गफलत जो है वो जो भी सरबरा है इंतजामिया का सरबरा है अस्पताल का सरबरा है उसका काम बनता है कि वो हालात को ठीक करें और मोबाइल फोन पर पहली फुर्सत में तमाम स्टाफ के मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाए। ठीक है जी, पाबंदी लगनी चाहिए ताकि तवज्जो के साथ वो आपके
जो फराइज है उसकी तरफ वो जरा पूरी तवज्जो के साथ वो काम कर सकेगा। स्टूडियो में सीधे साफी राज अस्पताल मौजूद है, सब आवाम के मसाइल की बात हो रही है, जिला चकवाल में ट्रैफिक के भी बड़े मसाइल मौजूद है, आज आपकी मुलाकात भी हुई है ट्रैफिक के जो इंचार्ज है, क्या जज्बा रखते हैं, क्या उनके ख्याल हैं, इन मसाइल को हल करने के हवाले से? शुक्रिया मीर सर, ज्ञान तो बहुत बनाया हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे बोलने बोलने चले एक दो दो मिनट में डेढ़ मिनट का लेते हैं। जहां तक ट्रैफिक की बात है तो ट्रैफिक के मिसाइल जैसे कि आप अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहते हैं, उसका बुनियादी जो यहाँ पे दो मिसाइल जो मेरी नजर में आते हैं वो डिप्टी साहब के भी कोशिश आती है। एक यहाँ पे वही पार्किंग का इशू जो आपका कह रहा है कि जिम प्लाजा जिम खाना जो है यहाँ पार्किंग प्लाजा बन जाए, चलो यहाँ ना बने कहीं भी बन जाए, पार्किंग इस वक्त बहुत जरूरी है शहरी के लिए क्योंकि सारा सारा दिन लोग गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं और फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वो 40 रुपए की पर्ची देकर वहां पार्क कर लेते हैं, वहां पे मरीजों के लिए दीकर जो डॉक्टर साहबान के लिए पार्किंग उनको नहीं मिलती, तो पार्किंग का इशू है। और दूसरा यहाँ पे जो बदू नंबर आपके जो रक्षे हैं इतना रक्षा यहाँ पे हो चुका है कि आप अपनी गाड़ी भी लोग शहर में लेकर आने से डरते हैं कि कहीं, और रोजाना दो तीन चार गाड़ियां आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है डैमेज हो जाती है, तो ये और फिर आगे लिसेंस ग्रांट है उसमें आपको पता है कि आज से महीने पहले बड़ा एक इशू चला ट्रैक्शन केस पे, उस पर भी उन्होंने काफी कहा कि हम हमने खुद एहतसाबी का मुझे अपने एंड महकमे करने को हमने जारी रखा हुआ और ट्रैफिक के मसाइल में कोशिश की। दूसरी बात मैं मुख्य सर ये कहूंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जहाँ पर मिसाइल भी मौजूद है एम एस बी वक्त को वक्तन वक्तन उनको कुर्बानी का बकरा भी बनाया जाता है, नए एम एस साहब आ जाते हैं, पता नहीं हम लोग क्यों नहीं, ये जो हमारे यहाँ पे मीर साहब सियासतदान है हम लोग इनका पीछा क्यों नहीं करते, जो पिछले साल हर साल से हम लोगों से वोट लेते हैं, हम लोगों को झूठे नारे देते हैं, सपने दिखाते हैं, कार दिखाते हैं, एक दो मियाँ बीवी हो तो वो एक ट्रैफिक में रह लेते हैं, भाई तीन अलग होते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनका दिल करता है कि हमारा भी घर बड़ा होता है क्योंकि उनको ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अभी जो आबादी है चकवाल की भाई सब देखकर बता सकते हैं कि मेरे ख्याल में 15 या 17 लाख आबादी है, ये उसके लिए नाकाफी है भाई, ये कहते हैं भाई मेरे वो उसका इंतजाम ले लो उसका इंतजाम ले लो, यहाँ पर सहूलियात दो किस्म की मामलात है, एक इंतजामी मामलात इंतजामी मामलात हम एम एस आर की कितनी बार कह चुके हैं कि जनाब आपका अगर एक्से खराब है वो आपके रिजल्ट के खराब दे रहा है, वो कह रहा है कि आपके दोनों ताले ठीक है, आप पीढ़ी में जाके कहते हैं 3 महीने से पैसे निकलो, ये इंतजामी मामलात है। फिर अभी आपने यहाँ एक रिपोर्ट भी पड़ी सोशल मीडिया पे कि 1 अरब रुपए की या 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे करप्शन हुई, तो एक तो एम एस आर को ये जो करप्शन हो गया और ये जो इनके जो इनके पास अवेलेबल है सिटी स्कैन अवेलेबल है, इनके पास इको मशीन अवेलेबल है, इनके पास एक्सेल अल्ट्रासाउंड है, ये कम अज कम जो 4-5 मशीनें आपके पास हैं इनको ठीक करें, कम अज कम इनके रिजल्ट पे तो लोग सेटिस्फाई है। और दूसरी फिर बात आ जाती है कि सहूलियात और शहर और उसकी कमी है, जिला चकवाल को हम जब बार बार कहते हैं लोग कहते हैं ये आप लोग दिलाने का साहब हमें भाव कहते हैं कि ये हम सीएमएल के अपनी सीएमएल यहाँ पे लेके आए, सीएमएल नहीं बन सकता 500 बेड का, जब तक मीर साहब जिला चकवाल में एक 500 बेड का अस्पताल नहीं बनता ये रोज आपके शीशे भी टूटेंगे, ये इतजाज भी होगा, एम एस भी बंदी बंदी होते रहे, क्योंकि ठीक है जी बुनियादी मसाइल हल करने तक मामला सीधे होने वाले दुनिया और जहां तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से कॉल का ताल्लुक है तो वहां पर जो टेस्ट हो रहे हैं उस पर किसी का एतमाद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सरे मशीन जो है वो बहुत पुरानी है, अगर आप उसके एक्सरे देखें तो अच्छे खासे एक्सपर्ट को कुछ नजर नहीं आता कि इसमें है क्या, डिजिटल एक्सरे का दौर है लेकिन यहाँ पर वही पुरानी मशीनें हैं, इसी तरह दीगर और जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और जो स्टाफ है टेक्नीशियन है उसकी भी कमी है, तो इसको दूर करते हुए ही आप मसाइल हल कर सकते हैं। लास्ट स्टूडियो में प्रोग्राम जारी है लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ कामरान सलीम ज्वेलर्स मेन सराफा बाजार चकवाल, बानी हाजी मोहम्मद सलीम सराफ मरहूम, खिदमत के 50 साल नसल दर नसल आपके पेश पेश। कामरान सलीम ज्वेलर्स मेन ब्रांच की तरफ से एक और नई ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है, न्यू कामरान सलीम ज्वेलर्स, हमारे यहाँ 21 और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी मुकम्मल गारंटी के साथ होलसेल रेट पर दस्तयाब है, हमारे यहाँ सिंगापुर दुबई और इंडियन गोल्ड फैंसी वैरायटी डायमंड रिंग और डायमंड नोस्पिन दस्तियाब है, स्पेशल ऑफर चूड़ियां और सेट के साथ टॉप्स गिफ्ट,
रब्ता कामरान सलीम ज्वेलर्स न्यू कामरान सलीम ज्वेलर्स 0300-547-3400 0334-547-3400 वेलकम बैक लाइव स्टूडियो में एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज स्टूडियो के इस प्रोग्राम में हमने जिला चकवाल की अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है और जिसमें सबसे नंबर वन मसला महंगाई है। तो इसी हवाले से शुराकार गुफ्तगू कर रहे हैं लाइव स्टूडियो में तहकार अब्दुल खालिद दरपेश मौजूद है। दरपेश साहब, महंगाई की बात हुई है, महंगाई नंबर वन मसला है पाकिस्तान में, इस पर सबका इत्तेफाक है। जिला चकवाल वैसे ही एक महंगा शहर को समझा जाता है, इस्लामाबाद से भी बाद मामला में ये महंगा है, तो इस वक्त तो सूरतेहाल इससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो एक इमरजेंसी थी नाफत होगी है महंगाई को लेकर, इसको किस तरह रिवर्स के लगाया जा सकता है? हुकूमती मशीनरी से आवाम क्या तवक्को रखते हैं कि कौन से वो इकदाम करें जिसकी वजह से यह महंगाई का जिन बोतल में बंद होता है? ना उसके अंदर नीयत है और ना सलाहियत है, सलाहियत ही कहीं से भी किसी हद तक काफी हद तक पूरी हो जाती है। अगर काम करने की क्लियरनेस ना हो तो आप मुझे बताएं कि उसका क्या हल है। पर देख हम पिछले चंद हफ्तों से देख रहे हैं एक क्रैकडाउन जो है दूर है, चौदह माफिया के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बड़ी आला बात है। लेकिन इसमें भी कह रहे कि जो अदारा निगरानी कर रहा है उसके अंदर एक बदतूर बिल है कि इन चीजों को जो है जो माफिया है और बिजली चोरी माफिया है, जो फॉरन करेंसी और डॉलर माफिया है, इनको लगाम दी जाए। लेकिन दीगर जो महकमों के जो सरकारी सिफारशें हैं इनके अंदर जो जोश और जज्बा और वलवला होना चाहिए तो देखने को मिल नहीं रहा, जिससे ये बात जहन के अंदर आती है कि बहुत मुमकिन है कि ये लोग भी उन्हीं माफिया के दस्तों बाल बनेंगे और शायद इनकी जो पार्टिसिपेशन है उसके बगैर वो माफिया जो है वो शायद अपना जो ड्रामा खेल है वो खेल ही भी नहीं पाते जब तक की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक की जो सिविल मुलाजमीन है उनका चोरी छुपे उनका साथ ना दे। मुझे जरा भी बात जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर करने दीजिएगा। देखिए वसाइल की कमी है, हॉस्पिटल छोटा है और इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात के अंदर सदा कर। लेकिन मैं आज करूं अगर रवैयों के अंदर बेहतरी आ रहा है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके अंदर जरा उनके अंदर कह रहे एक बात एक जज्बा उनके अंदर थोड़ा क्रिएट हो अंगड़ाई थे कि यार हलाल करके खाना है, आठ घंटे की ड्यूटी में आठ घंटे काम करना है, आठ घंटे की ड्यूटी में जितने ज्यादा पेशेंट को चेक करेंगे हम आपको उतना ज्यादा आपको पे करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, आप यकीन करें। यही हाथ उठा उठा के मुतालबा करेंगे कि ये थोड़े पेशेंट आते हैं और इससे ट्रिपल आए। आखिरी बात आपसे एक नुक्ते की बात आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम के जिनके ये सर्वेंट है ये पब्लिक की जेब से इनकी तनख्वाहें जाती हैं, पब्लिक को एक इख्तियार दे दें, क्या हॉस्पिटल हो, डाकखाना हो, पुलिस स्टेशन हो, आप वहां पे सरकारी मुलाजिम जो है उसके कारकर्दगी क्या वीडियो बना सकते हैं, एक इख्तियार पाकिस्तान की पब्लिक को दे दें, आप यकीन करें इंकलाबी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी विल जो है, इतना स्ट्रॉन्ग जो डिटर्मिनेशन है वो आएगा वहां से। तो ठीक है जी, इस किस्म के जो इकदाम जिसकी तरफ सर इशारा कर रहे हैं इंकलाबी कदम उठाएगा कौन जाए बनाने का ताल्लुक है, तो उस पर तो बड़ा वाजिया लिखा गया है कि हॉस्पिटल में अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपको दो साल तक तो कैद की सजा हो सकती है, यानी अगर आप अपने फराइज सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे, आप वहां पर सेहत की सहूलियात जिसके लिए आपको बिठाया गया है वो मरीजों को फराहम नहीं कर रहे उस पर तो कोई सजा नहीं है। लेकिन उसको अगर कोई हाईलाइट करना चाहे, आम शहरी हाईलाइट करना चाहे
तो उसके लिए दो साल की सजा बारह मौजूद है। यही हमें तकलीफ हर तरह नजर आती है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साथी शक्कर जिरदानी मौजूद है। जिरदानी साहब, महंगाई की भी हम बात कर रहे हैं, हालिया दिनों में कोई चीज भी अवाम की पहुंच में नहीं रही। रोज तो खैर बहुत अच्छा हो गया, वो तो अवाम की पहुंच से वैसे ही बाहर था। अब तो सब्जियां भी तो काफी महंगी हो चुकी है, बाजार का रुख किया है, क्या हालात है बाजार के? बस यही हालत है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सेम यही है। मैं आज आपको जो है ना बातें तो सारी होगी, एक मैं आपको इसका एक अफवाह आपको बताता हूँ कि इस वक्त चल रहा है या इंसानियत का जो इतकार है। एक दरख्त होती है बेरी, बेरी के ऊपर एक पीले रंग की पुट्टी होती है, उसको अमर बेल कहते हैं। वो अमर बेल जो होती है वो उस बेरी का खट्टे खाती है, ऊपर चढ़ के बैठ के तसल्ली से उसका खाती है और आखिर में उस बेरी को भी सुखा दे, बेरी को सुखा दे, सूख जाती है, तो कैंसर होता है पीली बूटी बेरी का। ये है हमारी हुकूमत और आवाम के जो तरीका है, जो कानून है वो ये है कि इंसानी बच्चा जिस वक्त पैदा होता है या इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पांच है। सबसे पहले बच्चा जो है डिमांड करता है इंसान का खुराक, पहली डिमांड उसकी होती है खुराक। दूसरी डिमांड होती है उसकी उसका तन ढांपने के लिए लिबास। तीसरी डिमांड होती है बारिश सर्दी गर्मी धूप से बचने के लिए उसकी रहायश। चौथी डिमांड होती है उसकी वो बीमार हो जाए इंसानी बच्चा या इंसान तो उसकी इलाज चौथी डिमांड होती है। पांचवी डिमांड ये होती है कि जो उसको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है शऊर दिया है तो वो शऊर को उजागर करने के लिए पांचवी उसकी डिमांड होती है तालीम, ठीक है। और इसकी जिम्मेवार जो होती है वो स्टेट होती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ये पांचों चीजें उसको इंसान को बंदे को आवाम को दी जाए स्टेट की तरफ से। अभी स्टेट ने ये जिम्मेदारी को बड़ी खूबसूरती से और बड़ी मतलब है जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निभा रहे हैं जो हुकूमत ने अपने मुलाजम किए हुए हैं लोग जिनको तनख्वाहें देते हैं, जिसमें सियासी भी हैं और ये जो ब्यूरोक्रेसी है तमाम जो अफसरान हैं इनकी उन्होंने ये जरूरियातें बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। गाड़ियां भी देते हैं, रैशे भी देते हैं, इलाज भी फ्री, तालीम भी फ्री, सारी सहूलतें जो बुनियादी हैं ये दे रहे हैं, लेकिन जो आवाम है उसको ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। ठीक है, ये तो जमीन पर चल रहे हैं, अपने बराबर खुद ही तलाश करके अपना वक्त पास कर रहे हैं, ये इंसान ही नहीं समझते आवाम को। ये अपनी इस वक्त आप देख लें कि क्या ये पोजिशन है या नहीं, ये पोजिशन है इस वक्त ठीक है हुकूमत की और आवाम राष्ट्रपति जी के जी आवाम की पोजिशन जिसमें जिरदानी साहब बता रहे हैं कि उनका तो सहूलियात में कोई नंबर आता ही नहीं है। वो तो कपड़ा मकान और सेहत और तालीम की जो जरूरियात है ये तो बुनियादी मूल्य नहीं हो गया, जिम्मेदारी होती है कि ये सहूलियात अपने शहरियों को फराहम करें। लेकिन जिस तरह के हालात हमारे सामने हैं कि एक खास तबके को तो ये सहूलियात वाफर तादाद में वाफर मकदार में दस्तियाब है, लेकिन आम आदमी इससे अक्सर महरूम। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह ने करा।